गुड आफ्टरनून एट्थ क्लास, सुबह मध्याह्नम एट्थ क्लास। हम लोगों ने अपना षष्ठ पाठ पढ़ा, औषधि परिचय, जिसका मैंने आपको कल अर्थ भी भेजा था, शायद आपने कॉपी में किया होगा, उसको कॉपी में करना था, आपको बताया गया था। इसके बाद षष्ठ पाठ में, औषधि परिचय में, हम लोग शब्दार्थ करेंगे। शब्दार्थ के बाद आज हम देखते हैं अभ्यासः, अर्थात अभ्यास में जितने हमारे क्वेश्चन आंसर होते हैं उनको हम देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा उच्चारणम कुरुत, अर्थात उच्चारण कीजिए। पहले लिखे हैं जो शब्द, यहाँ लिखे हैं हमने, इनके शुद्ध उच्चारण करना है। पहला शब्द लिखा है आद्रकम, ठीक है, इस प्रकार उच्चारण करोगे। क्षुदावर्धकम, सन्नितम, प्रतिशायः, मंडुपर्णी, आद्रभूम्याम, मस्तिष्क रोगेषु च्यवनप्लाशः, कृमिघ्ना, मांगलिक कार्येषु, ठीक है। इस प्रकार हम इनका क्या करेंगे, शुद्ध उच्चारण करेंगे, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है हमें पूछा है, उचितम पदम चित्वा पूरियत, ठीक है, उचित पद को चुन करके रिक्त स्थानों की क्या करनी है, पूर्ति करनी है, ठीक है। पहला क दिया है आद्रकम डॉट डॉट हितकरम भवति, जो अदरक होता है, मैंने पढ़ाया आपको पाठ में, अदरक होता है वो कब हितकर होता है, शीत ऋतु, ठीक है, ठंडियों में हमें हितकर होता है ना, हम चाय में डालते हैं या खांसी जुकाम जब होता है हम उसको क्या करते हैं, उसका रस पीते हैं या उसको पका करके खाते हैं, है ना। अगला है डॉट डॉट वाटिकासु गेहे गेहे च भवति, जो हमारी वाटिकाओं में, घर घर में क्या लगी होती है, तुलसी, तो यहाँ से छांट करके ही हमने रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, तो उचित शब्द को हम यहाँ से छांटेंगे। पहला हमारा शीत ऋतु आया, दूसरा तुलसी, तीसरा पूछा है ब्राह्मी स्मरण शक्ति डॉट डॉट, ठीक है, जो ब्राह्मी होती है वो हमारी स्मरण शक्ति को क्या करती है, बढ़ाती है, तो बढ़ाने को हम संस्कृत में क्या करते हैं, क्या कहते हैं, वर्धयति, अर्थात बढ़ाती है, ठीक है। अगला है आमलके डॉट डॉट सर्वाधिकम मिलति, आमलके आंवले में सबसे ज़्यादा क्या मिलता है, विटामिन सी, तो क्या आ जाएगा, आमलके विटामिन सी सर्वाधिकम मिलति, ठीक है। अगला क्वेश्चन है उत्तराणि लिखत, उत्तर लिखिए, तुलसिया अन्यानि नामानि कानि संति, तुलसी के अन्य नाम कौन कौन हैं, ठीक है, कौन कौन से हैं तुलसी के अन्य नाम, मैंने बताया आपको वृंदा, सुगंधा, अमृता, पत्र पुष्पा, है ना, तो आंसर आएगा हमारा तुलसी अन्यानि नामानि वृंदा, सुगंधा, अमृता, पत्र पुष्पा च संति, ठीक है, च संति, ठीक है। खुद क्वेश्चन को आप पूरा करोगे, आपको इतना बताया गया है, वैसे तो आपको क्वेश्चन आंसर खुद करने होते हैं, लेकिन फिर भी आपको सॉल्व करके क्वेश्चन आंसर मिलते होते हैं, लेकिन थोड़ा सा अपना दिमाग भी लगाना है कि पूरा क्वेश्चन को हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, ऐसे नहीं उतारना है। मैंने बताया है यहाँ पे लिखा है तुलसिया अन्यानि नामानि, लिखोगे फिर वृंदा, सुगंधा, अमृता, पत्र पुष्पा च संति, ठीक है। अगला है त्रिदोष नाशकम किम अस्ति, त्रिदोष नाशक क्या है, तो क्या है, आमलकम, त्रिदोष नाशकम आमलकम अस्ति, ठीक है, या आमलकम त्रिदोष नाशकम अस्ति, ठीक हो गया। अगला है केन बिना भोजनम पीतवर्णम न भवति, किसके बिना भोजन हमारा पीले रंग का नहीं होता है, तो हमने पढ़ा है हरिद्रा के बारे में, हरिद्राम बिना भोजनम पीतवर्णम न भवति, केन को छोड़ दोगे, लिखोगे हरिद्राम बिना भोजनम पीतवर्णम न भवति, हल्दी के बिना भोजन पीले वर्ण का नहीं होता है, ठीक है। अगला है मधुमेह रोगी किम हितकरम भवति, जो मधुमेह रोग होता है उसमें क्या हितकर होता है, तो मधुमेह रोगे विल्व फलानि हितकरम भवति, विल्व फल क्या होता है, मधुमेह रोग के लिए हितकर होता है, तो मधुमेह रोगे विल्व फलानि हितकरम भवति, ठीक है। अगला चौथा क्वेश्चन पूछा है इसमें अधोलिखित पदानाम उपसर्गान पृथक्यत,
ठीक है, जो उपसर्ग दिए गए हैं इनमें जो पद दिए गए हैं इसमें से हमने उपसर्ग को अलग करना है। 22 उपसर्ग मैंने आपको बताए, उन उपसर्गों को क्या करना है इसमें अलग करना है। जैसे आपको दिया है उद्भवत, एक शब्द दिया है, यथार्थात आपको समझाया है, उद्धन क्या हो गया है भवति, उद हमारा उपसर्ग हो गया, भू हमारी क्या होगी धातु हो गई, इनको क्या कर दिया गया है यहाँ पे अलग कर दिया है। अब दूसरा शब्द आपको खुद करना है प्रयोगम, प्र हमारा उपसर्ग लिख देंगे हम और योगम हमारी धातु रूप मान लो इसको, ठीक है, प्र हमने उपसर्ग को ही हमने क्या करना है पृथक करने, ठीक है। फिर है उपयोगम, उप हमारा उपसर्ग है, योगम हमने अलग कर लिया है, उपसर्ग को क्या कर दिया पृथक कर दिया। फिर है उपवनेशु, वहाँ भी उप क्या है उपसर्ग ही है, यहाँ भी क्या है उप हमारा उपसर्ग है वनेशु, ठीक है। विशेषत, वी हमारा उपसर्ग आएगा, शेषत को अलग कर देंगे, तो हमने उपसर्ग को ही यहाँ क्या करने थे पृथक करने थे, उपसर्ग ही क्या करने थे अलग करने थे। आज हम सबसे पहले इसके बाद जो अर्थ लिखा है उसके बाद हम शब्दार्थ करेंगे, शब्दार्थ के बाद अभ्यास में जो दूसरा क्वेश्चन है इसको करेंगे, तीसरा करेंगे, चौथा करेंगे। 2 क्वेश्चन आपको इस चैप्टर से अगले दिन बताया जाएगा, आज आप इतना करोगे और घर में पढ़ने की हमेशा क्या करोगे कोशिश करोगे कि हम हर सब्जेक्ट का काम कर पाएँ और हमारा काम छूटे ना।